फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का क्रिएटिव साइंस पर विवेक शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मैं बहुत बहुत थैंक यू, एक बार फिर से थैंक यू कि आपने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया। बहुत आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रख रहे हैं, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल वंस अगेन। आज हम टॉपिक के लास्ट की बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा जो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं और उसका नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इससे पहले हम इसका थोड़ा सा चार्ट पढ़ चुके हैं और क्या है वो देखिए। हमने ये देखा था कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके हमने दो पार्ट किए थे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपके जो दो तरह का था, एक आपका था नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने पेरिफेरल में दो पार्ट किए। पहला जो पार्ट था वो आपका एफरेंट नर्व फाइबर था और दूसरा था इफरेंट नर्व फाइबर, जिसको आपने सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर का नाम दिया था। इसी तरह से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक लेटरल पार्ट है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। क्लियर हुई बात? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द लेटरल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिमिलरली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो ए लेटरल पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, क्या? लेटरल पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? आप कहेंगे सर PNS। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूं, समझिएगा। पहला जो इसका पार्ट है वो आपका है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या है आपका? पैरा सिंपे। नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई। देखिए, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसका ठीक अपोजिट ये काम करेगा। तो देखिए, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हो और एक आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हो, ये और ये दोनों पार्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में। अगर देखा जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऐसी फिनोमिना में इन्वॉल्व होता है जब आपको क्या करे, आप कहें सर फ्लाइट डर, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, है ना। तो जब आप लड़ेंगे तो हार्ट बीट भी तेज होगी, ब्लड प्रेशर भी आपका क्या होगा, तेज होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आप कह सकते हैं इट इज इन्वॉल्व इन किसमें भाई? आप कहेंगे सर इन फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्लियर हुई बात? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में कौन सा सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। अगर मैं कहूं क्या, आप कहेंगे सर इन्वॉल्व
इन किस में भाई? आप कहेंगे सर हेमो स्टेटिस। यहां पे मैंने लिखा है हेमोस्टेटिस। हेमोस्टेटिस का मीनिंग समझिएगा, इसके हम तीन वर्ड लिख रहे हैं। क्या? पहला वर्ड अगर बोले अनचेंज्ड स्टेट, तो भी वही बात कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ। दूसरा हम कहें क्या? आप कहेंगे सर बैलेंस स्टेट, तो भी वही बात। और आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर इक्विलिब्रियम। ये वर्ड यूज कीजिए, चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, तीनों का मीनिंग ही क्या है? हेमोस्टेटिस मतलब आपकी बॉडी को वापस उसी स्टेट में लेके आना जो आपकी इनिशियली थी। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब कोई चेंज नहीं आएगा तो पहले की तरह वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। तो आप कहेंगे इनवॉल्व इन हेमोस्टेटिस एंड इसमें रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स। क्लियर हुई बात? तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि रेस्ट और डाइजेशन जैसे फिनोमिना मतलब आप नॉर्मली हो जाए, वो तो किसकी वजह से? पैरासिंपैथेटिक। आप ज्यादा क्या हो रहे हैं? हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, उसमें कौन इन्वॉल्व होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोथ आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसी तरह मैं अगर आपसे कहूं क्या हार्ट बीट क्या होगी? इंक्रीज या? तो भाई जब आपको गुस्सा आएगा तो क्या होगा वो? या आप दौड़ेंगे तो हार्ट बीट क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहां पे क्या हो जाएगा उल्टा? आप कहेंगे सर हार्ट बीट क्या होगी? आप कहेंगे सिंपली डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर आपके कहें प्यूपिल साइज क्या होता है? आप कहेंगे सर जब लाइट ज्यादा होती है तो क्या होता है? आप कहेंगे सर प्यूपिल साइज क्या हो जाता है? छोटा, है ना? तो प्यूपिल साइज बिकम्स क्या? स्मॉल हो जाएगा। और यहां पे मैं कह दूं क्या? आप कहेंगे सर प्यूपिल साइज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब फैल जाना, अंधेरे में फैलाती है ये, लाइट ज्यादा हो तो सिकुड़ती है ये। इसी तरह से मैं कहूं क्या? आप कहेंगे सर ब्लड प्रेशर बिकम्स हाई। यहां पे हाई हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बीपी बिकम्स लो। क्लियर हो गई बात? ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि जब हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को, एक आपकी ग्लैंड मैंने पढ़ाई थी ह्यूमन बीइंग्स में एनिमल में, तो आप कहेंगे सर एड्रिनल ग्लैंड एक्सक्रीट्स या सिक्रेट्स एड्रीलाइन हार्मोन। ठीक है, लेकिन जब आपका सब कुछ नॉर्मल रहेगा तब ये आपकी ग्लैंड किसी तरह का, तो आप कहेंगे सर नो हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, यहां पे एक बार फिर से समझ लीजिए, आपका डाइजेशन हुआ, बीपी हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारे के सारे अपने आप कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी हमने पार्ट कर दिए सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। आप कहेंगे सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जहां पर आपको फ्लाइट मतलब दौड़ना हो, फाइट मतलब लड़ना हो, और एक आपका होता है फ्राइट मतलब डर आप में हो, तब आपका ये। और उस चीज से अगर आपको छुटकारा पाना है तो क्या होगा? पैरासिंपैथेटिक। तो पैरासिंपैथेटिक में एक फिनोमिना है हेमोस्टेटिस, और इसका मीनिंग सिंपली अनचेंज्ड बैलेंस स्टेट या इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो आपकी बॉडी एक ऐसी प्रोसेस कि आप अगर इस पोजीशन में हैं तो धीरे धीरे आपको रिलैक्स करके बिल्कुल नॉर्मल करना, ये किसका काम है? पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। आपको वापस उसी स्टेज में ले जाना, ये किसका काम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का।
हार्ट बीट इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्यूपिल का साइज क्या होगा, आप कहेंगे सर लाइट जब ज्यादा हो तो वो आपकी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। आप कहेंगे बीपी क्या हो जाएगा, हाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो। एड्रेनल ग्लैंड इस सिचुएशन में एड्रेनलाइन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जबकि इस पोजीशन में किसी तरह का कोई भी हार्मोन नहीं होता। आप कहेंगे सर पैरासिंपैथेटिक कहां पर है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट बिटवीन किसमें भाई, आप कहेंगे सर मेडुला एंड ब्रेन। ब्रेन और मेडुला के बीच क्या जो है उसमें से ये कहां पर है, आप कहेंगे सर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर जो न्यूरॉन का पाथवे होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए आपको रिस्पांस जल्दी मिलता है किसमें, इसमें। यहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं, क्या न्यूरॉन पाथवे इज स्मॉल, और इसमें उल्टा हो जाएगा क्या, आप कहेंगे सर न्यूरॉन पाथवे इज लार्ज। तो यहां पे आपको रिस्पांस धीरे धीरे मिलता है इसमें, यहां पर आपको रिस्पांस क्या होता है, आप कहेंगे सर यहां पर आपका रिस्पांस बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। मसल्स जो होती है मांसपेशियां, इसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा टेंस करती है, यहां पर आपकी वो रिलैक्स करेंगी। हार्ट बीट आपका इधर बढ़ेगा, इसमें आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप इनमें से कोई एक सिस्टम को समझ लीजिए, और जब एक पढ़ेंगे तो उसके ठीक अपोजिट आपका दूसरा काम करने लगेगा। तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है, और आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली क्या हुआ, फिनिश हुआ। इनको आप अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आप हर तरह के एग्जाम फाइट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई आपको टर्म समझ में ना आई हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे, और कोई वीडियो अगर आपका छोटा है तो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक अपडेट वीडियो जो है वो मैं पहुँचाता रहूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू गाइस, बाय।